दोस्तों टेक्स वीडियो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ताकि मैंने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में और ओम सुना को वेरीफाई किया है, आज मैं फिर से उसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि पीसीएल, पीजीटू, रेलवे, डीआरटू इत्यादि एग्जामों में, इससे क्वेश्चन आपको देखने को 100% में से 95% मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम या कुछ भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, हालांकि हमने पिछले वीडियो में विशेष प्रतिरोध के बारे में चर्चा किया था, जैसे हमारा क्या है कि चालक के 1 मीटर लंबे तथा चालक 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल रखने पर चालक का विशेष प्रतिरोध कहलाता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम सेमी होता है। इसका फार्मूला क्या, रो बराबर आर ए अपान के ओम सेमी होता है। तो आज इसके बारे में 2 पॉइंट और पढ़ेंगे कि विशेष प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरा समझ आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग पदार्थों से बना चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम विशेष प्रतिरोध को कुछ और पॉइंट स्पेशल बताने वाले हैं जो आपको वीडियो पे बने रहना है। तो चलते हैं, विशेष प्रतिरोध किस पदार्थ में कितना मान होता है विशेष प्रतिरोध का, तो हम कारण बना लेंगे। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एग्जाम में मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन देखने को। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हमारा खजंग पदार्थ प्रतिरोधकता वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पदार्थ की ओर चलेंगे। जैसे हमारा होता है सिल्वर, एजी यानी सिल्वर को हम एजी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका रेजिस्टिविटी कितना होता है 1.6 × 10⁻¹ ओम मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, चालक है। दूसरा हमारा जो कापर, कापर कितना हो जाता है तो 1.7 × 10⁻¹ ओम मीटर, ये भी हमारा क्या है, चालक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा एल्युमिनियम, कितना होता है एल्युमिनियम का हमारा 2.6 × 10⁻¹ ओम मीटर में, जितना भी रहेगा सबका ओम मीटर में आ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है ए यू सोना, सोना कितना था 2.4 × 10⁻¹ ओम मीटर, ये भी हमारा क्या है, चालक है। इसके बाद एल्युमिनियम या टंगस्टन, टंगस्टन कभी 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 पूछ लेता है आपको इसका कितना हो जाता है, हालांकि मैक्सिमम लोग इसको याद नहीं करते लेकिन इसको भी याद करना होता है। तो 4.9 × 10⁻¹ ओम मीटर, इतना हमारे क्या थे, ये हमारे सब चालक हैं। इसके बाद कुछ मतलब चालक कभी बता देते हैं, जैसे हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है और चालक पदार्थ हैं। सबसे पहले हमें जर्मेनियम का देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसी को मैक्सिमम पूछता है कि जर्मेनियम कौन सा पदार्थ होता है, तो हमारा अर्धचालक तो इसका होता है 0.65 ओम मीटर, ये हमारा क्या है, अर्धचालक। ठीक है, दूसरा हमारा एसआई सिलिकॉन, इसका भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसका अभी कितना मान हो जाएगा तो 2 × 10³ ओम मीटर, क्या हो जाएगा ओम मीटर, ये भी क्या है हमारा, तो अर्धचालक है।
इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पर कौन सा जाएगा, तो उचालक इसमें ना देख लेते हैं। पोर्सलिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसका क्या बनाया जाता है, तो इंसुलेटर बनाया जाता है। इसका हो जाता है 3×10⁻¹⁹ मीटर, ये हमारा क्या है, उचालक है। इसके बाद ग्लास, ग्लास का कितना होता है विशिष्ट प्रतिरोध 1.7×10⁻¹⁹ मीटर, ठीक है। इसके बाद होता है माइका, माइका क्या बोलते हैं हम, अभ्रक बोलते हैं माइका। इसका मान होता है 9×10⁻¹⁹ मीटर। लास्ट मान आता है कठोर रबड़, तो इसका मान होता है 1×10⁻¹⁹ मीटर। ये क्या हमारे विशिष्ट चालकता है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे क्या, कि कितने टेम्परेचर पूछता है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का मान अध्याय, ठीक है ना, कितने पर सबसे मोस्ट पॉइंट पूछ रहता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्या है विशेष प्रतिरोधकता का मान है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमें क्या करना है इसको भी देखना है जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बताना चाहेंगे कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, या इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेंगे, बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इस प्रकार है कि आयतनिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आयतनिक प्रतिरोध का मान कैसे फाइंड करेंगे ना, एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक का प्रतिरोध R इक्वल रो एल बाई ए, हमारा क्या है ये प्रतिरोध का क्या है, किसका, चालक का प्रतिरोध है, किसका, ओम में, ठीक है ना। तो हमें पता है कि आयतन इक्वल क्या होता है, आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कंडक्टर से रिलेट करेंगे, तो उसका क्षेत्रफल किसका, कंडक्टर का, गुड़े लंबाई, किसका, कंडक्टर से रिलेट करता है। ऐसे हालांकि हम जानते हैं कि आयतन वाला क्या होता है, लंबाई गुड़े ऊंचाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंडक्टर से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल गुड़े आयतन को ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें पता क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मूला वी इक्वल हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल के से और यह लंबाई को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इसको हम पक्षांतर कर देंगे, ये वाला कहेंगे वी एफ आके एल हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ हमारा फार्मूला है प्रतिरोध का दिया है रो एल वाई ए, हम क्या करेंगे ए की जगह इसका मान रख देंगे, तो आर इक्वल रो एल वाई वी एफ आन के एल, एल ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, रो एल स्क्वायर अपन के वी, तो हमारा हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपन के वी, क्या आ जाएगा यात्रा प्रतिरोध का मान, यहाँ से हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, यहाँ हमारा जाएगा ओम, ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यात्रा प्रतिरोध का मान फाइंड कर लेंगे, उसके लिए फार्मूला है, ठीक है। अगर यहीं पे हमको अगर निकालना पड़ जाए क्या कि ये चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, ये चालक का आयतन स्थिर रखने पर, चालक का आयतन ये नोट है, ठीक है, स्थिर रखने पर हमें फार्मूला क्या मिलेगा, तो फार्मूला हमें मिल जाएगा क्या, यानी प्रतिरोध अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी ये आर प्रोपोर्शनल टू 1/a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे फार्मूला में रख देंगे वहाँ पे इसका मान, किसकी जगह, वी की जगह, क्योंकि हमें वी क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट कर रहा है, तो रो एल स्क्वायर अपन के ई वी हमें प्राप्त था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे जब आयतन स्थिर रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान हम क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा क्या बता रहा है, डिफिनीशन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जब इसका मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा रो वी अपन के ई स्क्वायर, जब आयतन हमारा स्थिर होगा तो उस टाइम क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, और कि अनुपात होगा,
ठीक है। इसके बाद हमारा चलते हैं कंडक्टेंस। चालकता, चालकत्व जिसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ये क्या होता है? तो हम इसका सिंपल से डेफिनेशन जानेंगे कि प्रतिरोध का विक्रम चालकता कहलाता है या चालकत्व कहलाता है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? महो या साइमन होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो जी इक्वल 1/r। क्वेश्चन इस पर कर लेंगे, जैसे पूछ देगा इसी चालक का प्रतिरोध का मान 2 ओम है, 2 ओम है, तो उस चालकत्व का मान क्या होगा? अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो हम इसी फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? जी इक्वल 1/r, हमें पता है कि r का मान कितना दिया है? 2 ओम, तो हम r की जगह रख देंगे 1/2 ओम। कितना जाएगा हमारा? 0.5 महो या फिर साइमन, ठीक है ना। पहले इसका साइमन था, लेकिन अब क्या हो गया, इसका कुछ चेंजिंग करके इसमें बोल दिया गया है तो साइमन। लेकिन साइमन क्या है? साइमन एक वैज्ञानिक था जो अपने नाम पर रखा था। इसके बाद इसका कुछ नोट और है, इसमें एक नोट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इसमें इसका मात्रक और बन जाएगा, इसका मात्रक ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स भी होता है, ठीक है ना। तो इससे फॉर्मूला एक और बन जाएगा, ठीक है ना। जी इक्वल हमारा होता है 1/r, लेकिन हमें पता है r इक्वल कितना था? रो एल बाई ए। हम क्या करेंगे? r का मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? जी इक्वल 1/ρ l/a हमारा हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा जी इक्वल एल ए बाई रो एल, ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज़ और पता है कि हमें क्या होता है, जैसे हमारा चालकता होता है प्रतिरोध का विक्रम, उसी प्रकार हमारा क्या होता है कि चालकता हमारा क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम क्या कहलाएगा? नोट में लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बनेगा। तो विशिष्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाता है महो प्रति मीटर, ठीक है ना, या साइमन को सीमेंस भी बोल सकते हैं, सीमेंस प्रति मीटर, ठीक है ना। तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा रो बराबर 1/ के सिग्मा इक्वल 1/ के रो। हमको यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा जी इक्वल क्या हो जाएगा? 1/ के रो ए बाई एल। तो हमें फार्मूला यहाँ पर मिल जाएगा, हमें पता है इसके बराबर क्या होता है? सिग्मा होता है। हम यहाँ पर रख देंगे जी इक्वल सिग्मा ए बाई एल, हमारा क्या होता है? कंडक्टेंस का फार्मूला हो जाता है।
ठीक है। तो हमारा क्या इस टाइप से हमारे इतने कंटेंट निकलते जाएंगे, एक फार्मूला से हमें कई फार्मूला क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे तथा देखने के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यह वीडियो यूपीएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। और मैं जितना भी शेष बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है हम अभी अगले वीडियो में जरूर से जरूर कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर